भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय अडवाणी जी, आदरणीय सुषमा जी, आदरणीय अरुण जी, आदरणीय डॉक्टर जोशी जी, राजनाथ सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी श्रेष्ठ नेतागण और हजारों की संख्या में उपस्थित कांग्रेस सरकार ने जो तानाशाही के मार्ग से जो दमन किया है, उसके खिलाफ अपनी भावना व्यक्त करने के लिए यहां इकट्ठा हुए हजारों मेरे भाई और बहनों, परसों की घटना, उसका वर्णन आप सब लोगों ने सुना है। मैं लखनऊ में था और रात को मैंने 12 बजे टीवी इंटरव्यू देने के बाद जब सोने के लिए गया तो मैं न्यूज सुनने के लिए मैंने टीवी शुरू किया, तो रात के 2 बजे तक मैं लगातार वो सब बातें देख रहा था। वो देखते देखते मेरा मन इतना व्यथित हुआ कि मेरी नींद भी गायब हो गई। महिलाएं दौड़ रही थी, बच्चे असहाय थे, ज्येष्ठ नागरिक नीचे गिर रहे थे, पुलिस की लाठियां बरस रही थी, अश्रु गैस छूट रहा था और उतने में अश्रु गैस के कारण पुलिस वालों ने जो स्टेज था उसको भी अंगार लगा दी और इतना एक दृश्य दिख रहा था कि रामदेव बाबा बहुत ऊंचाई से नीचे कूद गए। दुर्भाग्यवश ये जो बातें हमारे देश में हुई, इसकी जानकारी मीडिया के द्वारा पूरे देश में पहुंची। हमारी देश की जनता सहिष्णु भी है और संवेदनशील भी है। लोकतंत्र हमारी निष्ठा है और स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र में शांतिपूर्ण मार्ग से महात्मा गांधी जी ने जो सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया, उसी मार्ग पर यह सत्याग्रह अनशन का कार्यक्रम वहां चल रहा था। किसी ने पत्थर नहीं उठाया था, किसी ने पुलिस के साथ कोई संघर्ष नहीं किया था, कोई मुर्दाबाद के भी नारे नहीं हो रहे थे। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं के मन में क्या आया। एक दिन पहले इन्हीं रामदेव बाबा को मिलने के लिए 4 कैबिनेट मंत्रियों और गवर्नमेंट के उच्च पदस्थ अधिकारी हवाई अड्डे पर गए। तब बाबा बड़े संत थे, बड़े महान थे और उनसे चर्चा का सिलसिला शुरू रहा। उनकी बातें मांगने के बारे में स्वीकृति दी गई। कपिल सिब्बल बार बार कह रहे थे कि ये बात हमने कही, अब हमने मांग की है। ये यूपी और कांग्रेस सरकार बाबा को बड़ा महत्व दे रही थी। किसी ने तुलना की सुबह भाषण में कि अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष जब हिंदुस्तान में आए थे तब उसका भी स्वागत मंत्रियों ने जैसे नहीं किया, वो इस प्रकार से यूपीए सरकार के मंत्रियों ने रामदेव बाबा जी का वहां स्वागत किया और उनसे बातचीत की। बातचीत क्या हुई इसका ब्यौरा धीरे धीरे बाहर आएगा। बातचीत होती रहेगी, चर्चाएं होती रहेगी, मतभेद हो सकते हैं, मतभिन्नताएं हो सकती है और लोकतंत्र में मतभिन्नता और मतभेद होना कोई गैर बात नहीं है। और लोकतंत्र में शांतिपूर्ण ढंग से, लोकतांत्रिक ढंग से, अहिंसात्मक वृत्ति से कोई आंदोलन करना गुनाह नहीं है। हमारे अनेक साधु संत इसमें शामिल थे। 2 संत मुझे कल कार्यालय में मिले, उनको चोट लगी थी और मुझे कह रहे थे कि हम डर के कारण दौड़ रहे थे,
तो एक पुलिस ने दूसरे पुलिस वालों को कहा ये भगे कपड़े वालों को पहले पकड़ो और इनकी धुलाई करो। बोले हम दोनों को पकड़ा गया, हमारे हाथ में कुछ नहीं था और बड़ी निर्दयता से हमारे को बहुत पीटा गया। हमारी महिलाओं के साथ कपड़े फट गए। आज हमारे उपाध्यक्ष करुणा जी के नेतृत्व में हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्षा स्मृति जी महिला आयोग के पास गई थी और उन्हें ये कैफियत महिला आयोग की अध्यक्षता को बताई कि ये क्या हो रहा है, क्या इस देश में महिलाओं के साथ इस प्रकार से अन्याय अत्याचार होगा, क्या इस देश में आंदोलन करने वाली लोकतांत्रिक मार्ग से आंदोलन करने वाली महिलाओं के साथ लाठी बरसाई जाएगी, क्या उनके कपड़े फटेंगे, क्या उनको पैरों के नीचे तोड़ा जाएगा, छोटे बच्चों के ऊपर दंडे तो बरसे हैं और जो 65-70 साल के थे उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए। बड़ा दुख दर्द का विषय है कि आज सुबह रामदेव बाबा जी के जो स्वीय सचिव है आचार्य वो आज सुबह यहां आए थे, सुरेश आर्य जी आचार्य जी अजय आचार्य जी अजय आर्य जी यहां आए थे। जब उनका मुझे सुबह फोन आया तब मुझे बताया गया था कि उनके दोनों पैर टूटे हुए हैं। मैंने कहा अजय जी आप ऐसी अवस्था में कैसे आएंगे? बोले नितिन जी मेरा निग्रह है, मुझे लोग उठाकर आएंगे, जिस निर्दयता के साथ हम सब लोगों को पीटा गया है मैं अपनी भावना एक मिनट वहां आने का कर व्यक्त करना चाहता हूं, मुझे आने दीजिए। मैंने कहा अजय जी आपके आने के लिए मेरी कोई आपत्ति नहीं है पर आपके दोनों पैर टूटे हुए हैं, ऐसी अवस्था में आप यहां कैसे आएंगे इस बात का मुझे संकोच हो रहा है। उन्होंने कहा मेरी चिंता मत करिए, मेरा जो होगा सो होगा, पर इस सरकार के दमन के खिलाफ निहत्ते लोगों को जिस प्रकार से मारने की कोशिश इस सरकार ने की है उसके खिलाफ आप राजघाट पर महात्मा गांधी जी के समाधि के निकटस्थ बैठे हैं, मैं वहां आकर आपको समर्थन देकर अपनी भावना व्यक्त करना चाहता हूं, मुझे आने दीजिए। वो सुबह आए, उनको देखते हुए अनेक लोगों के आंखों में आंसू आए, उनके दोनों पैर टूटे थे और उनको यहां सुलाया गया। मुझे रहा नहीं गया, अडवाणी जी और मैंने उनको आने के ऊपर उन्हें जो दो शब्द कहे मैंने उनके आभार माने। मैं कभी कभी सोचता हूं कि बेचारे अजय जी का क्या घुसा था, क्या हाथ में उन्होंने लाठी ली थी, क्या भी पत्थर उठाया था। उनकी उम्र 65 साल की है, मुझे बता रहे थे मेरी उम्र 65 साल की है, देश के लिए रामदेव बाबा जी के साथ मैंने अपने जीवन को नौछार कर दिया, उनके साथ मैं काम करता हूं और इस प्रकार से उनकी धुलाई की कि उनके दोनों पैर तोड़े गए। रामदेव बाबा कल से टीवी पर कह रहे थे, मेरी उनसे फोन पर बातचीत हुई, लखनऊ से हुई, उन्होंने कहा नितिन जी मुझे जिंदा मारने की योजना बनी थी, मुझे ढूंढ रहे थे और जो वर्णन मैंने सुना वो हिंदुस्तान की सभ्य संस्कृति और समाज उसको सुनकर उसके आंखों में अगर आंसू नहीं आएंगे तो मुझे नहीं लगता वो कोई संवेदनशील मन है। उनको पीटा गया और पीटने के बाद उनके कपड़े छोड़े गए और उसके बाद लज्जा रक्षणार्थ उनने किसी बहन के कपड़े पहन लिए जिसकी चर्चा मीडिया में होती है। उन्होंने खुद बताया कि मेरे कपड़े खींच लिए, मुझे पीछे में पीठ में हाथ में काठी से मारा गया और ऐसी अवस्था में महिलाओं में मैं था, मैं क्या करूं, मैंने एक बहन के कपड़े पहन लिए। क्या हो रहा है इस देश में, क्या इस देश में निरपराध निहत्ते
लोकतंत्र के मार्ग से, शांति के मार्ग से संघर्ष करने वाले लोगों को सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी के आदेश से क्या उनको लाठी से कुचला जाएगा? क्या महिलाओं के कपड़े फाड़े जाएंगे? क्या बच्चों को कुचला जाएगा? क्या गुनाह था उनका? कौन सा बड़ा गुनाह उन्होंने किया था? गुनाह यही था कि वो कह रहे थे कि देश की भ्रष्टाचार को समाप्त करो। क्या देश के भ्रष्टाचार को समाप्त करना मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी इस बात का जवाब दो कि देश से भ्रष्टाचार को समाप्त करना अगर ये मांग कोई करता है तो क्या सीआरपीसी के कानून के अंतर्गत ये कोई गुनाह है? ऐसी मांग करने वाले लोगों को लाठी से तोड़ा जाएगा, उनकी हड्डियां तोड़ी जाएगी, मां बहनों के कपड़े फटेंगे, उनके हाथों पर अश्रु गैस छूटेगा, पेंडाल को स्टेज को आग लगा दी जाएगी। क्या लोकतंत्र में यही कहना गुनाह है? बहनों और भाइयों, दूसरी बात वो कह रहे थे कि विदेशों में जमा जो काला धन है वापस लाओ। क्या गलत बात है? मैं तो इस बात का अभिमान रखता हूं कि इस देश में सबसे पहले हिंदुस्तान में अगर किसी व्यक्ति ने और शख्स ने विदेशों में जो काला धन है वो हिंदुस्तान में वापस लाओ और हिंदुस्तान के गरीबों के कल्याण के लिए वो खर्चा होना चाहिए, ये हिंदुस्तान की जनता की संपत्ति है। ये कहने वाला कोई पहला महापुरुष जो हिंदुस्तान में है जिसने बड़ी हिम्मत के साथ इस बात को दोहराया, तो मैं इस बात का अभिमान रखता हूं कि वो हमारे नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं। आडवाणी जी की बातों की मजाक उड़ाई गई, आडवाणी जी की बातों के बारे में कांग्रेस के नेताओं ने इस प्रकार से कहा कि बिल्कुल उनके बात में कोई मतलब नहीं है। और मैं याद करता हूं कि उस समय हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने दोहराया कि हम 100 दिन में काला धन वापस लाएंगे, ये कांग्रेस पार्टी ने और मनमोहन सिंह जी ने कहा। क्या हुआ 100 दिन में काला धन वापस आया? लोग चर्चा करते कि काला धन वापस कैसे आएगा। हमारे पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शांता कुमार जी संसद के प्रतिनिधि के रूप में यूनो में गए थे। यूनो में जब इसकी बात हुई, चर्चा हुई, शांता कुमार जी वहां उपस्थित थे, तब इस बात की चर्चा जब हो रही थी तो स्विट्जरलैंड के प्रतिनिधि खड़े हुए और ने कहा कि ये लांछन हमारे देश पे बार बार लगता है, आप आपके देश के कानून में सुधार करो, हमारा देश पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है, आपके कानून को रेटिफाई करो, हम आपका पैसा काला धन वापस करने के लिए तैयार है। उसके बाद फिलीपींस और पेरू जैसे छोटे देशों ने उनके देश के जो लोगों का काला धन था उसको वापस लाया। यूएसए, जर्मनी, वो इस मिशन में यशस्वी हुए। पर आज हमारे देश की हालत कितनी खराब है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं उस रीजन में करीब 20,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। इस देश में पिछले 4-5 साल में अगर हिसाब लगाएंगे तो 10 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। महंगाई आसमान पर जाकर पहुंची है, इन्फ्लेशन का रेट 18% है और हमारे मनमोहन सिंह जी की सरकार कहती है कि जिसका इनकम 21 रुपए से ज्यादा है वो अमीर व्यक्ति है। बहनों और भाइयों, 21 रुपए की कमाई कमाने वाला व्यक्ति अमीर कैसे हो सकता है? ये कौन से अर्थशास्त्र की व्याख्या है? बहनों और भाइयों, मुझे एक पत्रकार ने पूछा कि इस प्रधानमंत्री को अगर 100 में से कितने मार्क देंगे, अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री है, आप कितने मार्क देंगे? तो मैंने कहा कि अगर देना है तो सब कोशिश करने के बाद भी 100 में से 25 मार्क भी इनको दे नहीं सकते, ऐसी इनकी केस है, पूरी फेल है। आज आम गरीब आदमी मर रहा है,